उत्तराखंड के जंगलों में आगजनी की घटनाएं बढ़ रही हैं। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि उत्तराखंड में अभी तक कुल 544 आगजनी की घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें लगभग 656.55 हेक्टेयर वन भूमि प्रभावित हुई है। वन विभाग द्वारा सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है, साथ ही इसमें रिलीफ फंड की व्यवस्था भी की गई है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि वहीं वन अग्नि की घटना से बचने के लिए सेना की भी मदद ली जाएगी। इसके साथ ही फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी को गांव स्तर तक जोड़ने के लिए अब ग्राम विकास अधिकारी को भी कमेटी में जोड़ा गया है। वन मंत्री का कहना है कि कोई भी आपदा बिना जनमानस की सहभागिता के नहीं जीती जा सकती, इसलिए स्थानीय लोगों का इससे जुड़ना आवश्यक है, जिससे कि वन अग्नि की घटनाओं को त्वरित रूप से रोका जा सके। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। अभी तक सिविल फॉरेस्ट और आरक्षित फॉरेस्ट दोनों में मिला के कुल वनाग्नि की 544 घटनाएं हुई, जिसमें आरक्षित वन क्षेत्र में 376 और सिविल और वन पंचायतों में 168 घटनाएं हुई, और प्रभावित क्षेत्र जो है 446.75 हेक्टेयर रिजर्व फॉरेस्ट का है और 209.8 सिविल और वन पंचायतों हुआ है। कुल मिला के 256.55 कुल हमारा प्रभावित क्षेत्र हुआ है, और इसमें राजाजी में टाइगर रिजर्व के अंतर्गत हरिद्वार रेंज में वनाग्नि नियंत्रण करते हुए एक कर्मचारी और तराई पूर्वी वन प्रभाग के अंतर हल्द्वानी के अंतर्गत भी खटीमा में ये एक कर्मचारी जो वाहन उसमें एक्सीडेंट हुआ उसमें वहाँ पर इंजर्ड हुआ है। तो अभी तीसरा जो सबसे बड़ी बात है कि इस समय शासन इसको लेकर बहुत गंभीर है और सरकार ने ये भी निर्णय लिया है कि क्योंकि आपने देखा था कि विगत वर्षों में सरकार ने निर्णय लिया था कि पहली बार इस राज्य में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में वनाग्नि प्रबंधन समितियां हर जनपद में बनाई गई थी और चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में प्रदेश में बनाई गई थी,